चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये भैया हमारे खेती बाड़ी सब बंधा में पड़े चले गए, सब बंधा में चली गए हैं। खेती बाड़ी है नहीं आई, ये नया बंधा बना है। हाँ। आपका गया खेत उसमें? हाँ। कितना गया है? रहा है मतलब पुरखन का रहा, 4-5 बीघा मिले थे। क्या मिली थे पहले शुरू में? क्या दी है? 90,000 रुपया मिली तो क्या मिली हमको? बस 7 लाख 7 बीघा जमीन में क्या मिली? कुछ नहीं मिली है भाई। जब कोई काम नहीं मिलेगा तो फिर मजबूरी है। हालांकि फाड़ा तो नहीं किया होता, पर करना पड़ रहा, जो कि ज़्यादातर गरीब व्यक्ति इस महंगाई के दौर में जो है चपेट में ज़्यादा आया। गोरखपुर न्यूज लाइन और चलचित्र अभियान की टीम है आज चित्रकूट विधानसभा के रसिन गांव में, जो कि यहाँ के मंत्री हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, उनका क्षेत्र है और इस बार वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये पीछे हमारा जो है ये रसिन बांध परियोजना है, जहाँ पर ये साल भी कुछ सरकार ने काम कराया है। और यहाँ पर हमको बहुत सारी महिलाएँ दिखीं जो दूर से लकड़ियाँ लेकर आ रही हैं और खाना बनाने के लिए उनको जंगल में जाके लकड़ियाँ लाना पड़ता है। तो हम बात करते हैं इनसे कि इनको कहाँ से लकड़ियाँ नाम बताइए आप? राजकुमारी। अच्छा, कहाँ से लेकर आ रही हैं? जंगल से। कितना दूर है? दिख रही ना जी, यहाँ से आए लाए करती है, जंगल से। अच्छा। जंगल दिख रही है, यहाँ से लाए करती है पहाड़ को कैची से। अच्छा। हाँ, अब छोटे छोटे बच्चे ले के जाती हैं, बूढ़ है। हाँ। कर रहे हैं काम, खाने के लिए तो लकड़ी तो लगती है, खाना नहीं बनाएंगे तो कामें खाएंगे। फिर गए चूल्हा हमको मिलते नहीं है, 3 दिन करके फार्म भर चुके, अभी नहीं मिली हमको, कुछ भी नहीं मिली। 3 बार फार्म भरा? हाँ, नहीं मिले। और आपको भी भरा नहीं मिला? गांव में कुछ और लोगों को मिला है क्या? हाँ, कोई कहो, कुछ जन को मिली है, कुछ जन को भरी है फार्म, कोई का नहीं मिली है अभी, काफी लोगों को नहीं मिली। तो ये रोज लकड़ी लेने जाना पड़ता? हाँ, है? हाँ, रोज लकड़ी लेने जाना पड़ती है जंगल। तो कितना टाइम लगा आपको, कब निकली थी? हमें निकलती है यहाँ से 10 बजे। अब आए हैं 3 बजे 4 बज गए, कोई ठिकाना नहीं रहते कितना बेर हम वहाँ से लकड़ी। कितना दिन चलेगा आपका? एक कितना दिन चलेगा? चलेगा 15 दिन। और क्या काम करते हैं आप लोग? आप यहाँ? ये भैया हमारे खेती बाड़ी सब बंधा में पड़े चले गए, सब बंधा में चली गए हैं। खेती बाड़ी है नहीं आई। ये नया बंधा बना है क्या? हाँ। आपका गया खेत उसमें? हाँ। कितना गया है? रहा है मतलब पुरखन का रहा, 4-5 बीघा है। सब चला गया? सब चला गया हमारा। कुछ मुआवजा मिला था क्या? नहीं तो भाई जन के साझे में है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका भी गया है? हाँ, हमारा भी गया, 7 बीघा था। सब चला गया? सब चले गए, कुछ भी नहीं है। घर भी चले गए, खेती भी चले गए, कुछ भी नहीं रह गए। घर भी चला गया? हाँ, सड़क में घर, जमीन लेके घर बनाए सड़क में। हाँ। तो ये जो जमीन बाद में गई उसका कुछ मिला था? मिले थे। क्या मिली थे पहले शुरू में? क्या दी है? 90,000 रुपया मिली तो क्या मिली हमको? बस 7 लाख 7 बीघा जमीन में क्या मिली? कुछ नहीं मिली है। तो अब तो खेती चली गई, तो कैसे काम चल रहा है? यही मजूरी करके खा रही है, लड़का काम करती है मजूरी, मिस्त्री के काम कर करके खावा रही है हम लोग। हम जंगल के लकड़ी जोड़ते हैं, अपना काम कर रही है। वो यही काम करते हैं कहीं बाहर? एक लड़का बाहर है, एक लड़का यही घर में काम करती है। सब बाबूजी मजूरी कर मजूरी कर करके या खा रहे हैं अभी मजूरी? हाँ। आपका सब खेत चला गया? सब कुछ नहीं रहेगा, बंधा के भीतर था, गांव भी भीतर था, बंधा के सब चले गए, कुछ नहीं रह गया। तो कितना पूरा गांव भी चला गया? हाँ, पूरा गांव चला गया। अब कहाँ बसे हैं आप लोग? अब यहाँ रोड के किनारे किनारे बसे। तो सरकार ने कुछ जगह नहीं दिया है? सरकार दिया है तो बनवाए नहीं है, कोई को बन गया, कोई को नहीं बना। अच्छा, इतना हमको यही तन का पड़ा है। तो कितने लोग थे गाँव में जो उजड़ गए बांध से? अब बाबू जी हम पढ़े तो है नहीं, उनके कितने लोग हैं लेकिन पूरा गांव है। हाँ, बुआ दाई बता सकते हैं। हाँ, कितने लोग का उजड़ गए? पूरा गांव उजड़ गए, 60 डेहरी घर था पूरा। 60 डेहरी? हाँ। सब उजड़ गए? सब उजड़ गए। और सरकार ने जमीन दी कहीं? हाँ, वो दी है, वो बंधा के बाजू में दी है, फिर कुछ दिन के बाद में वो का उजाड़ देंगे। अच्छा अच्छा। भर जाएगी पानी के लिए? पैसा? हाँ, कुछ भी नहीं दिए घर बनाने के लिए पैसा। हमको पैसा नहीं दिया? नहीं, अपना मजदूरी से बना रहे हैं। व्यापारी है जन घर बनाओ का तो पहले है। तो खेत रहा होगा तो मजदूरी तो नहीं करती होंगी ना? तो खेत चले गए तब तो मजदूरी करेंगे ना? जब खेत था तब नहीं करती थे, अपना घर के खेती बाड़ी करते थे, वहाँ अपना खेती में खाते थे, तब खेती चले गए तब मजदूरी तो करना है। क्या नाम है आपका? दुजिया। और आपका? राजकुमारी। कौन बिरादर है आप लोग? कोरी है। कोरी है। तो चुनाव में क्या होगा इस बार? अब जो तुम लोग बता दोगे भैया तो वही करेंगे। सही है। आप अपने दिमाग से नहीं लगा, सरकार बहुत नुकसान हुआ आप लोगों का। सरकार तो नुकसान करी है बेटा, फिर अब क्या करेंगे? अब आत्मा से तो सब ले लिया तो क्या करेंगे? अब
जब सरकारें हमारे को जान लेकर बैठी है तो क्या करेंगे अब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्विजय सिंह है। अच्छा, ये कौन सा पुरवा हुआ ये? ये पूरन पुरवा। अच्छा, हाँ। कितने लोग हैं यहाँ? होता काफी है आदमी यहाँ, मतलब हाँ, कई बिरादर के आदमी रहते हैं। कौन कौन बिरादर? कहार है, कुम्हार है, पंडित है, चमार है, धोबी है, धोबी है। अच्छा, कौन बिरादरी के? यादव है सब, मतलब हरजन है। हम तो हरजन है, ये तो अब मैं आरक हूँ। क्या हाल है चुनाव में? मंत्री जी का गांव है क्या? हाँ, तो मंत्री जी को ज्यादा है। अच्छा, हाँ, ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे वो, इससे फिर भी उनसे बाप का उनकर काफी है, बहु बाप का गांव की तरफ है, गांव के हैं तो सब वहीं की तरफ है। हाँ, क्या काम? कुछ काम हुआ? हाँ, बहु काम की है। क्या क्या काम? अभी जितनी सड़कें बनी और जितना मतलब ताला या इसका हाया बंधा और ये जो है गौशाला, उसने बढ़िया काम कराया है। चर्चा नहीं हो रही है गांव में, तो चर्चा हो रही होगी अब। चर्चा झूठा काटा है पटेलों का और बाबूजी का, दोनों काटा बराबर चल रहे हैं। अब यही भगवान दे दिए, पटेलों का नहीं है बाबू, वो समाजवादी का। अरे हाँ, वह समाजवादी है, वह कर मुलायम का। हाँ, उसका भी का तमाम चल रहा, दोनों का काटा चल रहा है। महंगाई तो ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, नहीं तो पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अच्छा। जो कि ज्यादातर गरीब व्यक्ति इस महंगाई के दौर में जो है चपेट में ज्यादा आया। भाई खाने का तेल है, अधिकतर गरीब लोग यूज करते हैं, और पेट्रोल है जिसमें गरीबों के पास भी मोटरसाइकिलें आज 100 रुपये लीटर पहुंच गया, उससे ऊपर भी जा रहा है, जो कि गरीब डलवाने में असमर्थ हो रहा है। ये सब कारण है। बेरोजगारी तो अभी आप TT का एग्ज़ाम देखेंगे, उसमें 5 लाख अभ्यर्थी बाहर हो गए। 5 मिनट कोई भी लेट हुआ है कैंडिडेट, पेपर चूँकि 10 बजे था, लेकिन 9:30 बजे के बाद अगर 5 मिनट वो लेट हुआ है तो उसको अंदर नहीं जाने दिया। तो बताइए, बेरोजगार होंगे ही बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम भौरी है। क्या करते हैं? बस बेरोजगार हम भी यहाँ हैं। आप बेरोजगार? हाँ हाँ, शिक्षा से संबंधित। कहाँ तक पढ़ाई की? मेरा MA फाइनल है। अच्छा। BEd भी है। BEd भी है। अभी कहीं नौकरी नहीं मिली? नहीं मिल पाई। इस चुनाव में लोग बेरोजगारी और महंगाई पर वोट देंगे? जी जी बिल्कुल। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनना है इसी पर दिया जाएगा, खुश है लोग। आप अलग अलग सोचे हैं लोगों की, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं सपोर्ट करेगा, ये बिल्कुल सत्य है। शिक्षा मित्रों को देख लीजिए, अगर आप सपोर्ट खुद ही पता चला हो कितना कर रहे हैं। हैं? तो नौजवान लोग जो है वो दूसरे तरफ सोच वो बिल्कुल अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और उम्मीद भी है यहाँ से पूरी कि अखिलेश की गवर्नमेंट बनेगी। आपकी तरफ तो बहुत लोग पढ़े लिखे होंगे। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मिल रहा है, बाहर जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है? मनरेगा कर रहे हैं इस समय। 100 दिन के रोजगार में क्या किया जा सकता है भाई, जब कोई काम नहीं मिलेगा तो फिर मजबूरी है। हालांकि फाड़ा तो नहीं किया होता, पर करना पड़ रहा है किसी तरह से, पेट तो चलाना। आप किए हैं कभी? नहीं, हाँ फाड़ा करते हैं ना। अच्छा। मनरेगा जॉब कार्ड बनवाए हैं। जॉब कार्ड बनाया? हाँ, अभी जब से ये कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ तभी जॉब कार्ड बना। अच्छा, उसके पहले काम कर रहे थे, स्कूल चला रहा था मैं अपना प्राइवेट। कितना दिन काम मिला जॉब कार्ड में? अभी 75 दिन मिला पिछले साल और इस साल मिला के। हाँ, 75 दिन मिला है। पैसा मिल गया, भुगतान हो गया कि बकाया अभी? नहीं, कुछ हुआ भुगतान, कुछ बकाया। तो आप जिसे और भी नौजवान लोग किए हैं? बिल्कुल, कर भी रहे हैं साथ में हमारे। अच्छा, काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि BEd हो गया, MA फाइनल हो गया तो बाद में नौकरी मिल जाएगी? अब देखिए, ये तो कुछ सरकार की महिमा। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया, जी जी जी, सपा ने भी किया है, भाजपा ने भी किया है। जी जी जी, देखे हैं आप उसका कि युवाओं के लिए नौकरी के बारे में क्या क्या कहा गया है? नहीं, कहती हैं तो हर पार्टियां हैं कि जो है आने के बाद हम बेरोजगारी हटाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार बनाने के बाद फिर कहाँ सुनते हैं ये लोग। इस बार जो लोग बात कर रहे हैं उनमें से किसी पर विश्वास हो रहा है? हाँ, इस बार हमें जो है अखिलेश पर अधिकतर विश्वास है कि, और वो पिछली बार भी जब 5 साल थे तो युवाओं के पक्ष में काफ़ी जो है फैसले किए थे।